वीकडे, वीकडे से वीकेंड के इंतजार में कहीं खो जाते हैं और जब घर पहुंचते हैं ना तो और कुछ नहीं करते, बस सो जाते हैं। तो हमें इस बात का सुकून था कि 9 से 5 वाली जिंदगी का द एंड तो आया, वीकडे जैसे तैसे गुजरा जनाब, कहीं ना कहीं एक वीकेंड तो आया। तो लगा कि अब रोजमर्रा की जिंदगी से छुटकारा पाके एक नए माहौल में जाएंगे और आसपास के बच्चों को साथ लिए, कुछ नए जज्बात लिए, उनके बड़ों को भी हाथों हाथ लिए शहर के बड़े मॉल में जाएंगे। तब शायद दुनिया को हम कह सकेंगे कि जिंदगी संवारने के लिए हमने कुछ ठोस कदम उठाया भी, फैमिली टाइम के नाम पे फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताया भी। सच कहें तो बस बोलने के लिए कुछ वक्त बिताना था, पर जिंदगी ने उस रोज मुझे एक नया सबक सिखाना था। कुछ तो यहाँ वहाँ घूम रहे थे, कुछ फिल्में देखने चले गए और हम बिटिया के साथ फन जोन में खेलने चले गए। अब फोन के सवालों का जवाब देते देते न जाने कब वो सिलसिला टूटा। इस बात का एहसास भी नहीं था कि न जाने कब बिटिया का हमसे हमारा हाथ छूटा। न जाने वो कहाँ जाकर बैठी, उसे आई भी नहीं मेरी याद। और इस बात का एहसास भी जब मुझे हुआ तो बहुत सारे पल बीत जाने के बाद, तब समझो कि यहाँ वहाँ उसका नाम पुकारने लगे, सब्र के बांध टूटने लगे, उसका नाम पुकारते हुए जहाँ तक नजर गई हर जगह उसे ढूंढने लगे। दूसरे मिनट में लगा कि जिसका डर था अगर वो बात हो जाए तो, निहारिका साथ में तो आई है पर राज खो जाए तो, उसे हर तरफ ढूंढने का जतन करने लगे। उसके साथ जो बच्चे आए थे ना, वो तीसरे मिनट तक तो डरने लगे। तब लगा कि हमने तो नहीं पर किसी और ने तो उस पर नजर रखा होगा और हाथ में तस्वीर लिए पूछ रहे थे आपने ऐसी बच्चियों कहीं देखा होगा। लगा कि आज ही मैं बस इस लापरवाही के सिलसिले को तोड़ दूंगा, बिटिया मिले तो बस उसे पकड़ूंगा और बाकी सब छोड़ दूंगा। तब लगा कि तकदीर भी शायद आज उनसे रूठी हुई है कि तभी अचानक एक कोने में नजर गई और नजर आया कि बिटिया एक इलेक्ट्रॉनिक अजीब से घोड़े पर बैठी हुई है। वैसे तो लगा कि न जाने कितने सालों के जख्मों को सी लिया मैंने, 5 मिनटों में 5 सालों की जिंदगी को जी लिया मैंने। क्या होगा कि अगर आपकी जिंदगी में खुशियों वाली कोई बात ना हो, आप तो हो जिंदगी में पर आपके अपने साथ ना हो, जिनसे मिलने की ख्वाहिश में आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें खिलें, आप घर लौटें और आपको वो ना मिले। बड़ी अजीब सी खामोशी आपकी तकदीर हो चुकी हो, आपकी जिंदगी और कुछ नहीं बस तस्वीर हो चुकी हो। मैं बस दुआ करूंगा कि आपकी जिंदगी में कभी ऐसे जज्बात ना हो कि आप तो हों पर आपके अपने साथ ना। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि अपने जिंदगी जीने की आदतों को थोड़ा सा सख्त कीजिएगा और मुमकिन हो तो अपनी फैमिली को फैमिली टाइम वाला वक्त दीजिएगा, क्योंकि जिंदगी में चीजें यहां से वहां हो जाए पर यह वक्त नहीं होना चाहिए मिस टाइम। और जब भी शाम ढले रात होने को हो, हाथ में कलम हो, तब ये ना भूलें, इट्स फैमिली टाइम।